ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरे फ्रेंड हो, आप मेरे को फ्रेंड बुलाया करो। नहीं, आप मेरे ससुर हो, आप तो बेटे को बताऊंगी ना जब पता लगेगा। अरे ये बेटा ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं बेटा, ऐसा ऐसा क्या है, ऐसा करो बेटा, ठीक है ना, आपके बेटे को पता चलेगा, देखो कल लेंगे, आप समझना चाहिए। सुनो सुनो तो सही, मेरी क्या क्या सुनो, देखो बेटा बेटा बेटा, मैं बहुत गंदे नजर से देखते, सच कह रही हूँ, मैं झूठ मैं यकीन कर ही नहीं सकता। गाल पे किस कोई बात नहीं, हाथ उठा दूंगा, एक मिनट भाई बस प्लीज यार, सच में कह रही हूँ, कमर तक पकड़ के मैंने बताना कोशिश की थी आपको, पर आप सुन नहीं रहे, तुम झूठ बोल रही हो, मैं झूठ बोलूंगी क्या, ये सब अच्छा लगता है बेटा, क्या अच्छा लगता है ये आपको अच्छा लगता है, आपको देखो पापा पापा मत करो बेटा, पापा आप नहीं सोचते तो बेटा, कूल इट कूल इट। एवरीवन कैसे हो आप सब लोग, आई होप सारे के सारे ठीक होंगे। यार अभी मैंने इनकी जो सुना है ना यार, मेरे खुद समझ नहीं आ रहा कि ये मैडम क्या बोल रही हैं, क्योंकि भाई पहला जो भी बोल रही है झूठ बोल रही है ये। हाँ बिल्कुल लगता है झूठ बोल रही हूं, बिल्कुल भाई बोल रही है, बिल्कुल झूठ बोल, गंदे नजर से देखते आपको, कौन ऐसे अपने पापा के समान पे आरोप लगाएगा बताओ तो। मैं गलत नहीं लगा रही हूँ, पता है इन्होंने इसके पापा इतने गंदी नजर से देखते हैं, मुझे शर्म आती है, हाथ पकड़ते शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, बीच में कोई तमाशा मत बनाओ, हैं गाल पे किस भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं, मैं हाथ हाथ उठा दूंगा, एक मिनट भाई बस प्लीज यार, सच में कह रही हूँ, कमर तक पकड़ के मैंने बताना कोशिश की थी आपको, पर आप सुन नहीं रहे, तुम झूठ बोल रही हो, मैं झूठ बोलूंगी, कौन ऐसे आरोप लगाता, ये बता कौन ऐसे आरोप, कोई बात नहीं भाई भाई बैठ जा, कोई बात नहीं, बात तेरी ठीक है, बैठ जाओ एक बार, कोई नहीं लगाता आरोप, इसको भी कोई शौक, मैं कोई शौक नहीं चढ़ा, क्योंकि अपने ससुर के ऊपर लगाऊंगी मैं, पता है आपके गंदे इतने पापा इतने गंदे, ऐसा हो सकता है भाई, तू ही बता यार भाई, मैंने आज तक देखा नहीं इनके, तो यार मैंने आज तक कहीं नहीं देखा, ये चीज मैंने नहीं देखी, मुझे सच में आपके पापा में बहुत गंदे नजर से देखते, सच कह रही हूँ, मैं झूठ मैं यकीन कर ही नहीं सकता, गाल पे किस तक किया था मैंने, बहुत थप्पड़ मैं नहीं कर सकता यकीन, मैं बता रहा हूँ ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, साबित हो जाएगा जब पता चलेगा आपको, कोई बात नहीं भाई, मेरे बोलने से पहले आपको पता चल गया क्या हो गया, तो भाई दिक्कत यही हो रही है इनकी कि यार बोलने में सर मैं काम कर रहे थे, पता आप ऑफिस गए हुए थे तो उन्हें कमर पर हाथ डाला था मेरे, वो तुमको अपने बेटी के समान रखते हैं आपकी नजर में, मेरी नजर में मैं हमेशा देखता हूँ आपको, मैंने बताने की कोशिश करी, मैंने सोचा क्या बताऊँ आपके पापा, इज्जत करती थी नहीं, मैं आज हद से ज्यादा हो गया, पता है आपको इतनी कस के पकड़ा ना, कहाँ कहाँ डाला बता नहीं सकती आपको भाई, सुनने में मेरे को बुरा लग रहा है, मैं झूठ करना पड़ा मुझे, तमाशे लगा दूंगा, नहीं नहीं भाई प्लीज यार एक बार सुन ले, मैं शांति से सुनने के लिए आया हूँ यहाँ पे, नहीं मैं यही कह रहा हूँ, देख किसी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी, तो भाई देखो मेरे को ना बताने की और जरूरत भी नहीं है कि क्या सीन हो रहा क्या नहीं हो रहा, आप ना कुछ मत करो ठीक है, आप अपना फोन लेके ना भाई, देख बुरा मत मानियो, जो होगा देख लेंगे, मुझे खुद नहीं पता चल रहा भाई, क्योंकि मैंने पहली बार झूठी साबित होगा, देख लियो भाई देख लियो, मैं स्टाइलिश जरूर हूं पर इतनी गिरी हुई नहीं हूं कि अपने ससुर पे इतना इंजाम लगाऊंगा झूठा, बात तो ठीक है, मेरे पापा पे आरोप लगा रहे हो, समझ रहे हो, तुम कॉल मत करना, तुम मत करना, तुम कॉल करो ठीक है उन्हें, और फोन निकालो अपना और डायल करो और उसके बाद बुलाओ ठीक है, आप ना ऐसी रहना भाई, खुद देख लियो, तो भाई जब तक के लिए फोन करके बुलाएंगे ना भाई, फोन घंटे लगाते हो, हाँ तो जब तक के लिए ना भाई कैमरा ना हाइड कर दो, जब तक के लिए मैडम फोन करके बुला रही हैं, एकदम कैमरा दिखा दो, और भाई तमाशा करवा रही है, कोई बात करवा रही हूं मैं, भाई टेंशन मत ले, मैं कह रहा हूँ ना कुछ अगर कुछ गलत हुआ ना तो भाई ये रिकॉर्डिंग हाथ हो गई आज, आज तो ऐसी जगह हाथ मारा बता नहीं सकती मैं, चलो कोई बात नहीं, आप अपना कॉल मिलाओ, तो भाई जब तक के लिए ना आप कैमरा हाइड कर दो। बेटा काय को बुलाया यहाँ पे, क्या क्या ये सब अच्छा लगता है बेटा, क्या अच्छा ये आपको अच्छा लगता है आपको, देखो पापा पापा मत को बेटा, पापा आप मेरे ससुर हो थोड़ा संभाल के, अरे बेटा सब लोग क्या सोचेंगे, सब चलता है कूल इट बेटा, कूल इट कूल इट, देखो आप बेटा ये तो सब चलता है, हाथ मत पकड़ो, देखो बेटा सारी बात हो सकती थी तो घर पे हो सकती थी ना, सारी बातें घर पे नहीं हो सकती थी, यहाँ पे भी हो सकती थी, पार्क में बुला के बेटा क्या क्या सब, आप घर पे बताती ना, आप जगह टच करते, बहुत गंदी जगह टच करते, ना ना बेटा कोई बात नहीं, यहाँ पे पब्लिक है इसलिए मैं कह रही हूँ, बेटा कोई बात नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरे फ्रेंड हो, आप मेरे को फ्रेंड बुलाया करो, आप मेरे ससुर हो, आपके बेटे को बताऊंगी ना जब पता लगेगा, अरे ये बेटा ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं बेटा, ऐसा ऐसा क्या है, ऐसा कुछ थोड़ी है,
पापा तुम यहाँ पे सब पब्लिक है, छेड़ो मत, आराम से बात करो। हाँ तो आराम से ही तो बात कर रहा हूँ, तो ये बात जो है घर पे भी हो सकती है ना बेटा। कूल इट बेटा, ऐसा नाराज क्यों हो रहे हो, नाराज क्यों हो रहे हो आप? आप क्यों नाराज हो रहे हो? गंदी गंदी हरकत करोगे तो नाराज नहीं होंगी मैं? नहीं, कौन सी गंदी हरकत कर दी है मैंने? मैंने कुछ कर दिया क्या? मैंने क्या कहा ऐसी गंदी हरकत कर दी, बताओ? टच कर रहे हो, ये कर रहे हो, गर्लफ्रेंड बोल रहे हो, क्या है? कोई गर्लफ्रेंड तो आजकल तो सारे कॉमन है बेटा, सब कुछ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, आपको भी जरूरत है, मेरे को भी जरूरत है। मुझे कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा बेटा है भाई। जब आप, मेरा बेटा नहीं है, मैं बेटा औरत को आदमी की और आदमी को औरत की जरूरत होती रहती है हमेशा। देखो आप मेरे ससुर हो, वो सब जानती हूँ, पर क्या कहते हैं ये गंदी हरकत आपको शोभा नहीं देती है। अभी अभी लड़का है, अभी लड़का है नहीं यहाँ पे, तो इसमें क्या फर्क पड़ना है? क्या फर्क पड़ना, तुमको भी क्या फर्क पड़ना बेटा? बाप हो आप, अपनी बहू पे ऐसा कर रहे हो गंदा। बेटा घर की बात घर में रहे तो ज्यादा अच्छा है ना, तो आप घर में ही बात कर सकते थे ये चीज, है ना? यहाँ पे पार्क में बुलाने की जरूरत क्यों नहीं कर सकते थे? घर पे तुम्हारी गलत निगाह, गलत टच, ये तो मुझे बहुत डिस्टर्ब करते थे, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। क्या फर्क पड़ता है मेरे बच्चे, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? बच्चा सोना बाबू सोन छोड़ दो कहना बेटा। बाबू क्या फर्क पड़ता है इससे? कोई फर्क नहीं पड़ता। हार्ड टच है, देखो टचिंग मत करो, तुम्हारे बेटे को बताऊंगी ना जब तुम्हारी अच्छी सी खबर लेगा वो। अरे बेटा क्या फर्क पड़ रहा है इससे, इन चीजों से कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। अरे यार क्यों नाराज हो रहे हो, घर चलो बेटा, ऐसा मत करो। क्या देखो पापा, देखो ये गंदी हरकत मत करा करो मेरे साथ, ठीक है ना? आपके बेटे को पता चलेगा, देखो गले भी मत, आप समझना चाहिए ना। सुनो सुनो तो सही, क्या क्या देखो बेटा, बेटा 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 मैं इसको बना रहा कह रहा हूँ कि घर चलो, ये मान ही नहीं रहे यहाँ पार्क में। गंदी हरकत करते हैं, गंदी गंदी हरकत कर रहे हैं, मैं इनकी बातों पे भरोसा नहीं कर रहा था बेटा। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू, घर पे बहुत गंदी हरकत करते हैं, दिखाने के लायक नहीं बचा हूँ मैं। बताओ क्या हुआ? मैं घर पे इसलिए नहीं बुलाई इनको, यहाँ पे इसलिए बुलाई मैं, आंखों से देखा हूँ आप इसको, क्या 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 बोल रहे हो इसको? नहीं क्या देखा तुमने आंखों से, क्या देखा है पता है? इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पे बुलाई हूँ कि घर पे बहुत गंदी निगाह रखते हैं। लगा देता अभी पता है बेटा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ये मैं अपनी आंखों से देखा हूँ, ऐसा क्या नहीं है आपको पता? ये मेरे को बोल बोल के घर पे इसलिए नहीं बुलाए क्योंकि गंदी हरकत करते हैं ये, बाहर इसलिए बुलाए कि पब्लिक बोल बोल के मेरे को थक गई मैं, पब्लिक की भी वार्निंग है। ये मुझे साजिश है बदनाम करने की और कुछ नहीं है, साजिश है नहीं इनकी, साजिश करती है मैं। अच्छा साजिश कर, साजिश कर, नहीं साजिश नहीं कर रही मैं, मैं यहीं पे था, मैं कहीं गया नहीं था। अच्छा अच्छा मैं यहीं पे था, तो मैंने क्या करा ऐसे? मैं तो मैंने इसको बोला कि इन्होंने जबरदस्ती, मैं इसको यहाँ पे क्यों बुलाया हुआ है, तो घर चलो इनको, यही मैं बात करने के लिए बुलाया था कि घर पे गंदी गंदी हरकत करते हैं ये, बता दो आप करते नहीं हो, कैसे हो, गले लगा रहे थे पब्लिक देख के। मैंने ऐसा कुछ नहीं करा बेटा, जो जैसा इन्होंने बोला कि क्या हुआ चलता है, ये बोल रहे चलता है। अंकल ये क्या कर रहे हो आप, इतना गंदी हरकतें कर रहे हो। मैंने इनको बोला था कि बहू हूँ मैं आपकी, बोले आजकल की बहू नहीं हो जैसे होता रहता है। क्या बोल सकते हैं आपको हम, ये बताओ ना ये क्या हरकतें कर रहे हो पार्क में? इसने बोला था शांति से बैठ के बात होगी, नहीं गले हाथ डाल रहे वो डाल रहे, लग रहा है आपको हाथ उसके गले में डाल रहे हो। बंदा सोच के बेटी के समान है ना। नहीं बोले बेटी नहीं, पापा मत बोलो मुझे कहते हैं। वहाँ देखना, वो देखो कैमरा लगा रहे उधर देखो, आपसे भी क्या बोलूंगा, वो देखो जो आप बोल रहे हो ना। बेटा कैमरा बंद करवाओ, ये कैमरा बंद करो। आप जो कह रहे हो ना ये कि मैं हरकतें ये नहीं करी, वहाँ देख लो क्या नहीं। बाप के समान की हो, बाप के समान उसकी, बाप बेटे के साथ बहुत गलत की हो। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, कोई और होता ना मैं तमाचा लगा देता। बोलो, मैं आपको कहती थी ना और आप विश्वास नहीं होते अपने पापा पे, यकीन था मैं, हर बहू ऐसे नहीं होती पता है। सॉरी यार मैं, मेरे से गलती हो गई है, बहू ऐसी नहीं होती ज्यादातर, होती है मानती हूँ पर वो भी नहीं, विश्वास करना चाहिए आपके ऊपर। तो चिल्लाऊं भी क्या, भी क्या ही बोलूँ, तुम्हारा बेटा क्या अच्छा। सोच रहे हो क्या कर रहे हो? मैं इन पे गुस्सा होता था कि ये गलत बोल रही है, बर्दाश्त नहीं कर रहा था, ये तो तुम्हारे बारे में बोल रहा था। पता है मुझे मारने के लिए भी उठ गए थे भैया से, पूछो अपने पापा पे यकीन करते थे ये, मुझ पर नहीं आप पे भरोसा किया। मैं तो कुछ बोलने के लायक नहीं हूँ, बोलो कुछ। जो हो गया है उसको अब दोबारा नहीं होगा, इस तरह की हरकत दोबारा नहीं होगी, मुझे माफ़ करिए, मुझे माफ़ करिए दोनों बेटा। माफ़ी के लायक नहीं हो आप, माफ़ी के लायक तो बिल्कुल ही नहीं। एक बार और बताई थी यकीन नहीं कर रहे थे ये, पार्क में बताया था मैंने बहुत, तुम्हारा बेटा ठीक है
पब्लिक में तमाशा नहीं करना चाहते हैं। ठीक है बेटा, घर चल के बात कर लेंगे और मेरे को क्षमा करें, आगे दोबारा से नहीं होगा ऐसा, ऐसी हरकत दोबारा नहीं होगी। मैं अपनी गलती पे शर्मिंदा हूँ। ये गलती अंकल शर्मिंदा लायक नहीं होती, आप सोचो ना, आप अंकल ये क्या हरकत कर रहे हो आप। मैं भी इसलिए निकला हूँ, हमारा बेटा सामने है, ठीक है। अभी अगर यहाँ चिल्लाऊंगा ना तो पब्लिक इकट्ठी होगी, पब्लिक इकट्ठी होगी तो बंदे पूछेंगे कि क्या हरकत कर रहे हो, तो कैसी बदनामी होगी तुम्हारी। मैं इसलिए यहाँ पे बुलाई नहीं, अभी भी छेड़छाड़ कर रहे थे ये। ऐसा मत करो प्लीज भाई, इसलिए तो नहीं चिल्ला रहा मैं, एकदम शांत हूँ। मैंने कुछ बोला मतलब जो हरकत देख, कुछ भी बोला मैंने, बता दो कुछ नहीं। तो अभी होता ना तो मारते भी, अभी तक मैं चिल्लाया भी 1% भी नहीं, चिल्ला के बात करी होगी मैंने, अंकल जी करके ही बोल रहा हूँ। कुछ भी बोला मैंने उल्टा नहीं बोला ना भाई, पता नहीं यार। एक बात बताऊँ, चिल्लाने लायक भी नहीं छोड़ा ना इन्होंने, मैं चिल्ला भी नहीं सकता। मैं इसलिए यहाँ पे बैठी चुपचाप, चिल्लाऊंगा ना यहाँ पे, इसलिए बुलाया मैंने कि शांति से बात हो पाएगी, शांति से नहीं हो रही, गले में हार डाल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। नहीं आगे से, आगे से यहाँ पे हर दिन घर पे तो मुझे छोड़ते नहीं है, बड़ी मुश्किल से तो मैं ताला बंद करना पड़ता है, मुझे काम नहीं करना पड़ता था, कर नहीं पाती मैं। नहीं बेटा, जो हो गया अब तो, अब जब अब तुमने क्या हो गया, जो तुमने देख ही लिया है, क्या देख लिया, क्या देख लिया वो, अब दोबारा से ये हरकत नहीं होगी, बस इस इसके इस बात की मैं कहता हूँ, इस बात ऐसी हरकत दोबारा नहीं होगी। अब बोल नहीं पा रहे हो, छोड़ो तुम्हें ना, तुम पे चिल्लाऊं क्या भाई, मतलब तुम्हारे ही पापा हैं यार, तुम देख लो क्या देख, मेरे मेरे समझ से बाहर है, ठीक है भाई। अरे वही है जो है, बस देख लिया मैडम, माइक भी उसमें से दे निकाल दिया, सारी बातें रिकॉर्डिंग हो, समझ रहे हो, ये इसमें मैं सब रिकॉर्ड नहीं कर रहा, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं करते, नहीं मारने के लिए उठ गए थे ये भैया ने बचाया हमें, जाओ मैं अपनी गलती पे शर्मिंदा हूं, इस बार ले जाओ आप, ले जा भाई पीछे ले जा, चलो घर, चलो घर चल के बात करते हैं, जाओ मैडम तुम भी जाओ। वीडियो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, जो करना करो, जो नहीं करना मत करो, ठीक है, बंद कर दे कैमरा।